अगर रहना है आपको स्वस्थ बिल्कुल, तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिसिन गुरुकुल। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज हम अपनी इस वीडियो में बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी के बारे में जानेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों क्या क्या कामों में काम आते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी अच्छी जानकारियां हम आपको इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसकी डिटेल। बेटनोवेट GSK कंपनी का एक प्रोडक्ट है। बेटनोवेट क्रीम कई नामों से मार्केट में आपको अवेलेबल है। बेटनोवेट क्रीम बेटनोवेट एन, बेटनोवेट सी, बेटनोवेट जी और बेटनोवेट एम नामों से आपको मार्केट में मिल जाएगी। सबका अपना अलग अलग काम होता है, लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी के बारे में बात करेंगे। ये क्रीम भारत के हर मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं बेटनोवेट सी के बारे में। बेटनोवेट सी ये भी GSK कंपनी का एक प्रोडक्ट है। इसकी कीमत लगभग 53 रुपये है। ये मैं फरवरी 2021 की मैन्युफैक्चरिंग की प्राइस बता रहा हूँ। बेटनोवेट सी में बेटामेथासोन एंड क्लियोक्विनोन पड़ा होता है। बेटामेथासोन एक्जिमा की प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। एक्जिमा की प्रॉब्लम मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको यूज करते हैं। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर कि बेटामेथासोन किस तरह की प्रॉब्लम में काम करता है। ये एक्जिमा की प्रॉब्लम, तो एक्जिमा की प्रॉब्लम जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बेटामेथासोन का वर्क होता है। तो इस प्रॉब्लम में ये बेटनोवेट एन क्रीम आपको यूज करनी चाहिए। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। साथ ही साथ इसमें क्लियोक्विनोन पड़ा होता है। क्लियोक्विनोन एक एंटी फंगल ड्रग है। ये हमारे बॉडी में फंगल यानी एलर्जी को ख़त्म करता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो रिंग टाइप की एलर्जी हो जाती है तो उसमें भी ये यूज किया जाता है। जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहे हैं कि इस तरह के क्लियोक्विनोन वर्क करता है, तो बेटामेथासोन एंड क्लियोक्विनोन इन प्रॉब्लम में वर्क करता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेटनोवेट सी क्रीम को यूज कर सकते हैं। यानी बेटनोवेट सी एलर्जी फंगस में काम करता है और ये बेटामेथासोन और क्लियोक्विनोन दाग धब्बों में भी काम करता है। दाने हो जाते हैं, दाने निकलते हैं, तो उस केस में भी इसको यूज किया जाता है। जलने पर भी काफ़ी हद तक ये अच्छा काम करता है, तो जलने में भी इसको लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। इसको हमको यूज दिन में 2 से 3 बार ही करना है। 2 से 3 बार आपको जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम है उस जगह को आप साफ हाथों से, हाथों को धुलने के बाद अच्छे पानी से, साफ पानी से उस जगह को हल्के हाथों से आप उसको साफ कर लीजिए। उसके बाद इसको उस जगह पे अप्लाई करिए। ध्यान रखिए उसको ज़्यादा बार मलना नहीं है। क्रीम को एक बार लगाने के बाद उसको छोड़ देना है। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार लगाइए। ध्यान रखिए ये क्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन ही यूज किया जाता है, वो भी डॉक्टर की सलाह पर 15 से 20 दिन तक यूज करें, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग समय तक अगर इसको यूज किया जाता है तो इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी हो जाते हैं। जैसे जिस जगह पर आप इसको लॉन्ग समय तक लगाते हैं तो उस जगह पर बालों का आना शुरू हो सकता है, यानी उस जगह पर जो रुएँ हैं तो वो बालों के रूप में आ जाते हैं, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो काफ़ी केस में जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फेस पे लगाने के बाद फेस पर बालों का आना शुरू हो सकता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा दिन तक यूज नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं बेटनोवेट एन के बारे में। बेटनोवेट एन ये भी एक GSK कंपनी का प्रोडक्ट है। इसमें भी बेटामेथासोन और नियोमाइसिन पड़ा होता है। इसका रेट 36 रुपये है। ये मैं जनवरी 2021 की मैन्युफैक्चरिंग का रेट बता रहा हूँ। बेटामेथासोन के बारे में आप लोग जान ही चुके होंगे कि ये किस तरह की प्रॉब्लम में वर्क करता है। हम बात करते हैं नियोमाइसिन के बारे में। नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है।
इसका यूज अगर हमारी स्किन पर कोई कीड़ा लग गया है, कीड़ा रिंग जाने से स्किन पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में ये न्यूमाइसिन वर्क करता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे न्यूमाइसिन में किस तरह की चीज़ों में ये काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके यूज और साइड इफेक्ट के बारे में। यूज और साइड इफेक्ट बेटनोवेट सी की तरह सेम ही है, इसको बेटनोवेट सी की तरह ही इसको यूज करना है और इसके साइड इफेक्ट भी उसी की तरह हैं, ज़्यादा कोई खास बदलाव नहीं है। इसको भी 15 से 20 दिन ही यूज किया जाता है। चलिए जाते जाते हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये दोनों किस किस चीज़ों में काम करते हैं। बेटनोवेट सी एलर्जी में, दाग धब्बों में, जलने पर, फोड़े फुंसी होने पर ये यूज किया जाता है। और बेटनोवेट एन स्किन पर कीड़े के रिंगने से हुई प्रॉब्लम पे यूज किया जाता है और ये पिंपल्स में भी यूज किया जाता है, क्योंकि बेटामेथासोन और न्यूमाइसिन पिंपल्स में भी इफ़ेक्ट करते हैं। जानवर या कीड़े के काटने से भी हुई प्रॉब्लम में भी ये यूज किया जाता है। ये दोनों क्रीमें डॉक्टर की सलाह से ही लें, अदरवाइज आप इसको ना लें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी होते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी बेटनोवेट सी और बेटनोवेट एन के बारे में मिली होगी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे आपको कोई भी प्रॉब्लम की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।